सुपर जॉइंट्स के बीच में, और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया, जो कि एमआई की टीम की लगातार 8वीं हार थी। और ये करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के हिस्ट्री में पहली टीम बन चुकी है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम को इस जीत से बहुत अच्छा फायदा हुआ है, टॉप फोर में उनकी एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही आज होने वाले पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल हमें किस तरीके से बदलते हुए नजर आएगी, यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स की जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में अगर हम बात करें सबसे नीचे यानी कि बॉटम मोस्ट पोजीशन से, तो पॉइंट्स टेबल में आज के मुकाबले के बाद नंबर 10 पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो कि कुछ भी इनके साथ सही नहीं हो रहा है। 8 मुकाबले खेले हैं, एक भी मुकाबला नहीं जीती है, सारे मैचेस हारकर इनके 0 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट है -0.892 का। अब एमआई की टीम कंफर्म रूप से आईपीएल से बाहर तो हो ही चुकी है, लेकिन अब किसी दूसरी टीम के जीतने या हारने से भी एमआई की उम्मीदों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये पूरे 100% तरीके से आईपीएल से आउट हो चुके हैं। नंबर 9 की बात करें तो यहां पर है चेन्नई सुपर किंग्स। 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार के साथ ही चेन्नई की टीम के 4 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट है -0.534 का। आज इनका मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स की टीम के साथ। ऐसे में सीएसके को अगर प्लेऑफ्स के इक्वेशन में बने रहना है तो आज का मुकाबला हर हाल में जीतना पड़ेगा। इनसे ऊपर नंबर 8 पर सिमिलर सिचुएशन में पंजाब किंग्स की टीम है। 7 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हार के साथ ही इस टीम के 6 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है -0.562 का। अगर पंजाब की टीम आज का मुकाबला हार जाती है तो फिर ये भी चेन्नई जैसी हालत में आ जाएंगे बिल्कुल, और ये टीम ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि एक टाइम पर ये कंसिस्टेंटली हमें टॉप फोर में नजर आ रहे थे, तो आज का मुकाबला इनके लिए भी काफी अहम रहेगा। अब हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं मिड पॉइंट्स टेबल की, जहां पर नंबर 7 पर आज के मुकाबले के बाद आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में हार के साथ ही केकेआर की टीम के 6 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट है +0.080 का। इनसे ऊपर नंबर 6 की पोजीशन पर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबले हार चुके हैं, जिसका मतलब है इनके 6 पॉइंट्स है और इनका नेट रन रेट है +0.715 का। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 की, और यहां पर आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स की जीत के बाद नीचे गिरकर आ चुकी है आरसीबी की टीम। आरसीबी ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार के साथ ही इस टीम के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट है -0.472 का। तो एसआरएच के खिलाफ जो मुकाबले में काफी बड़े मार्जिन से हारे थे, उससे आरसीबी की टीम अब खिसक कर नंबर 5 पर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में अब हम टॉप 4 की पोजीशंस की। तो नंबर 4 पर आज का मुकाबला जीतने के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स आ चुकी है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार के साथ ही इनके भी 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट +0.1 का है, जिसकी वजह से ये आरसीबी से ऊपर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 3 की पोजीशन की बात की जाए तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आती है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत और 2 मुकाबलों में हार के साथ ही आरआर की टीम के 10 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो +0.432 का नेट रन रेट आरआर की टीम का चल रहा है। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की पोजीशन की बात की जाए तो यहां पर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत और 2 मुकाबलों में हार के साथ ही इनके भी 10 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो +0.691 का नेट रन रेट एसआरएच की टीम का चल रहा है। और गाइस फाइनली अब अगर बात की जाए टेबल टॉपर्स की, तो यहां पर हमें अभी भी गुजरात टाइटंस की टीम देखने को मिलती है, जो कि पूरी पॉइंट्स टेबल में इकलौती टीम है, जिनके 12 पॉइंट्स हैं, 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत और 1 मुकाबले में हार के साथ ही जीटी की टीम के 12 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +0.396 का। तो ये थी आज के मुकाबले के बाद कंप्लीट पॉइंट्स टेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें जाएंगी आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।